पपत्ती फेंक देते हैं। अब ऐसे ही हम लोग ये जो बुरादा है और नमक है और पानी है, अगर इसको मुझे अलग करना पड़े तो मैं पहले तो एक छलनी तो है नहीं मेरे पास, ये तो साइंस केमिस्ट्री की लैब है, ये एक फिल्टर पेपर कहते हैं, छन्ना पेपर, छन्ना कागज कहते हैं। इसको पहले ऐसे गोला है, इसको यूँ चार मोड़ दी ऐसे, और इसका एक हिस्सा एक तरफ और कटोरी बना ली, तीन हिस्से एक तरफ, कटोरी बन गई। अब इस कटोरी को, ये क्या है? ग्लास नहीं है, कीप, कीप है ये, कीप कहते हो ना इसको, फनल। अब इसके अंदर ये कागज मैंने चिपका दिया, थोड़ा हाथ गीला करके, ये था फिल्टर पेपर, छन्ना पेपर है ये। तो बन गई छलनी, अब चाय भी छन जाएगी, अगर मैं चाय छानूंगी तो चाय भी छन जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ कि ये लकड़ी का बुरादा था, नमक और पानी, अब मुझे लकड़ी का बुरादा अलग करना है। अब जैसे चाय छानते हैं ना, हम ऐसे छान लेंगे, पानी टप 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 नीचे गिर जाएगा, और लकड़ी का बुरादा इसके अंदर ऊपर रह जाएगा। लेकिन जो ये पानी टप टप गिर रहा है ना इसके अंदर, ऐसे देखो टप टप इसके अंदर गिरेगा, अलग टेस्ट ट्यूब में ले लूंगी। अगर मैं उस पानी को गर्म करूं, खूब खौलाऊं, तो क्या होगा? पानी तो भाप बन के और कटोरी में, तो तीनों चीजें मिल गई, अलग अलग हो गई कि नहीं हुई? तीनों चीजें अलग हो गई। अभी इसके अंदर तीनों चीजें मिक्स थी, नमक भी, पानी भी और बुरादा भी। बुरादे को छान के जब ये पूरा पानी धीरे धीरे टपकेगा इसमें से, जब ये देखो गिर रहा है ना, ये देखो बूंद गिरी, जब ये पूरा छन जाएगा तो हम इस कपड़े को, कागज को फैला देंगे, बुरादे को धूप में सुखा देंगे, फिर से बुरादा मिल गया। और इस पानी को गर्म करेंगे, खौलाएंगे, तो पानी चला जाएगा और नमक मिल जाएगा। अब एक और मज़ेदार बात हम तुम्हें बताते हैं, ये क्या है, क्या दिख रहा है? और ये बुरादा। अब ये थोड़ा सा मैंने बुरादा लिया और थोड़ी सी इसके अंदर ये कीलें डाल दी, अभी तो थोड़ी मोटी है, अगर मैं ये लोहे का बुरादा डालूं, मैं पतली पतली कीलें डाल दूं, जैसे कभी कभी होता है ना जब कारपेंटर लोग काम करते हैं तो कीलें और कचरा मिक्स हो जाता है, तो बताइए इनको कैसे अलग करेंगे, इनको कैसे अलग करेंगे, लोहे की कीलें और बुरादा कैसे, हाथ से, चुंबक से, ये देखे जादू। अभी किसी को अगर पता ना हो कि इसके अंदर लोहे की कीलें छुपी हुई हैं, तो मैं इसको पास में ले जाऊं, तो ये देखो बुरादा नहीं चिपकेगा, बुरादा नहीं चिपकेगा इसके ऊपर, केवल कील चिपकेगी। तो अगर कोई लोहे की चीज और बुरादा या चीनी या कुछ मिक्स हो जाए, तो लोहे की चीज को कभी भी अलग करने के लिए हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए? आपको एक बहुत एक मजेदार बात से हम लोग पाठ खत्म करते हैं। आप लोगों ने लोहार देखे, लोहार, लोहार लोग क्या करते हैं ना, लोहे को गर्म करके लोहे को तोड़ते हैं, कभी कभी वो लोग चश्मा भी नहीं पहनते हैं, मतलब ऐसे ही तोड़ने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लोहे का एक टुकड़ा या पतला सा एक कण आँख में चला जाता है, कैसे निकलता है? चुंबक से। डॉक्टर एक उसके पास औजार होता है, उसमें चुंबक लगा होता है, वो आँख को बंद करके उसके इधर घुमाता है चुंबक, तो अगर आंख के पीछे चला गया है वो टुकड़ा, तो वो यहाँ कोने में आ जाता है, और वो चुंबक से खींच लेती, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। तो चुंबक बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह काम आता है, हमारे कितने इलाज चुंबक से होते हैं हमारे बॉडी के। तो अच्छा, आज आप लोग घर में ही जाकर तेल और पानी का एक्सपेरिमेंट करोगे, हैं, देखोगे, थोड़ा सा तेल लेना कटोरी में या किसी में, और उसमें पानी डालना, खूब जोर जोर से हिलाना, और थोड़ी देर के बाद देखोगे कि तेल अलग, पानी अलग, और मुझे और चीज़ें कल बताना जो पानी में घुल जाती हैं और जो पानी में नहीं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।